दोस्तों कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे UPAPU के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी 16 चैनल से जुड़ जाइए अगर आप UPAPU एग्जाम देने वाले हैं तो, क्योंकि इस पर जीके जीएस से रिलेटेड और वीडियो आने वाली हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन में है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और होन्सु। तो इसका राइट आंसर है होन्सु। होन्सु जो द्वीप है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये द्वीप किस देश में है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नेम चेंज होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्टेशन रेलवे स्टेशन के नेम चेंज हो, किसी सिटी के नेम चेंज हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदल दिया है और इसका क्या नाम रखा है। तो चार ऑप्शन है, काकोरी ट्रेन एक्शन है, चोरी चोरा ट्रेन एक्शन रखा क्या, कि जलियावाला ट्रेन एक्शन रखा, या अलीपुर ट्रेन एक्शन। तो इसका राइट आंसर है काकोरी ट्रेन एक्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा। यह घटना कब घटित हुई थी, यह क्वेश्चन आ सकता है। 1925 में, 9 अगस्त 1925 में यह घटना घटित हुई थी, और कौन कौन इससे संबंधित थे, तो यह भी आप पढ़ लीजिए, हिस्ट्री में यह क्वेश्चन आपसे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो केन और बेतवा लिंक परियोजना जो भारत की, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ही नहीं, भारत की सबसे पहली ऐसी परियोजना है जो नदियों को लिंक कर रही है। तो पहली ऐसी परियोजना है, तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो कौन सी, केन बेतवा लिंक परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना है यह, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और बुंदेलखंड को इससे काफ़ी फायदा होगा। नेक्स्ट है, पहले क्या हुआ, यानी विच इवेंट ऑकर फर्स्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में आ जाते हैं, पूछ लेंगे कि पहले क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ, या आपका रोल एक्ट एक्ट पहले आया, या आपका जो 1935 वाला एक्ट आया। चार ऑप्शन आपको दे देंगे। तो इसमें बताइए आप, इवेंट ऑकर फर्स्ट में क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ पहले, या दांडी मार्च जैसे दांडी यात्रा गए थे काफ़ी अभी न्यूज़ में है, या रॉयल नेवी स्ट्राइक हुई, या महात्मा गांधी भारत साउथ अफ्रीका से वापस आए। तो लखनऊ पैक्ट आपका 1916 के आसपास हुआ, तो आइडिया से भी आप इनके आंसर कर सकते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916, दांडी मार्च 1930 के आसपास, 1930 के आसपास, और रॉयल नेवी स्ट्राइक 1946, और महात्मा गांधी कब आए भारत, तो 1915 में। तो इसमें पूछा गया है इवेंट ऑकर फर्स्ट, पहले क्या हुआ, तो पहले महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, महात्मा गांधी भारत आए। महात्मा गांधी से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, महात्मा गांधी ने कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकलौते अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने जिन आंदोलन सत्याग्रह में भाग लिया उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, पहले यह इवेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन करेक्ट में करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट है मुगल सराय रेलवे जंक्शन, दूसरा है झांसी रेलवे स्टेशन, और तीसरा है मंडूबाड़ी रेलवे स्टेशन, इनके नेम चेंज हुए हैं, चौथा है नन ऑफ दीज। तो मुगल सराय रेलवे जंक्शन इसका नाम बदल दिया, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा है, झांसी रेलवे स्टेशन का हो गया है बीरंगना, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन और मंडूबाड़ी रेलवे स्टेशन का बनारस। तो तीनों सही हैं, सो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट इसमें नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, उज्ज्वला स्कीम 2.0 इज लॉन्च्ड फ्रॉम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से लॉन्च हुई थी। ऑप्शन में बलिया है, महोबा है, गोरखपुर है और बनारस है। तो देखिए, उज्ज्वला 1.0 कहाँ से लॉन्च हुई, ये आ सकता है, 2.0 आ सकता है, और एक और स्कीम थी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी आपसे प्रधानमंत्री वो किसान सम्मान निधि वाली, और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजना, तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उज्ज्वला 2.0 कहाँ से लॉन्च हुई, पहला ऑप्शन बलिया है, बलिया से उज्ज्वला 1.0 लॉन्च हुई थी, और उज्ज्वला 2.0 योजना ये लॉन्च हुई, ये आपकी हुई महोबा से, महोबा जो आपका बुंदेलखंड एरिया में आता है यूपी में, तो महोबा से उज्ज्वला 2.0 लॉन्च हुई, और उज्ज्वला अगर 1.0 पूछें तो बलिया राइट आंसर इसका रहेगा। इसके अलावा गोरखपुर और बनारस, इन दोनों जगह से भी एक एक योजना लॉन्च हुई, तो वो भी आपसे आ सकता है। नेक्स्ट है, जिब्राल्टर संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे UPAPU में इस टाइप के मैप वाले क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो और इसके बाद देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। एक वीडियो में आपके 50-100 करंट अफेयर्स होंगे, एक में आपके मैप होंगे, तो मैप बेस्ड जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो देख लेंगे, एक आध में हिस्ट्री टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास वीडियो आ जाए। तो जिब्राल्टर संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है, ऑप्शन में स्पेन, मोरक्को, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका और रूस और यूक्रेन। रूस और यूक्रेन तो अभी मैटर न्यूज़ में है, तो रूस का जिन जिन एक्सपोर्ट में यानी निर्यात में रूस जिन जिन मामलों में पहले स्थान पर है वो आ सकता है। इसके अलावा
यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम पूछे जा सकते हैं, तो आप ये सब पढ़ दीजिए। तो स्पेन मोराक्को इसका राइट आंसर है, जो जिब्राल्टर संधि है ये आपके स्पेन और मोराक्को को अलग करती है। तो इसका मैप अभी हम लोग बाद में देखेंगे वीडियो के एंड में। नेक्स्ट है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्गा रिवर ड्रेन्स फ्रॉम, सो इसमें ऑप्शन में है मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, साउथ चाइना सी या रेड सी। चार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपका, मेडिटेरेनियन सी से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके यूपीएपीयू में, कैस्पियन सी से, साउथ चाइना सी से और रेड सी से, कहाँ पर है। ठीक है, तो वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है, कैस्पियन सी में, अभी हम लोग मैप में भी देख लेंगे अभी बाद में। और इसका राइट आंसर क्या है, तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सी में। इसके अलावा आपको यूपीएपीयू में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द, तो इसका राइट आंसर क्या है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सी में। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो फर्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। और नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर दिन एवं रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा का मतलब होता है इक्वेटर, जिसे हम लोग जीरो डिग्री कहते हैं। अभी मैप में देखेंगे कि जीरो डिग्री क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, कैप्रिकॉर्न क्या होता है, तो अभी थोड़ा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये अर्थ है जैसे, तो ये सेंटर में ये है जीरो डिग्री, इसे ही कहते हैं भूमध्य रेखा या जीरो डिग्री या इक्वेटर इसे कहते हैं। और ऊपर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे होता है 23.5 डिग्री साउथ। ऊपर जो होती है ये होती कर्क रेखा, यहाँ पर साउथ में ये होती है आपकी मकर रेखा। इसके अलावा आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, तो इनसे क्वेश्चन आपकी आ जाते हैं, यूपीएपीयू में आने के चांसेस हैं। तो अभी हम लोग मैप वाली क्लास में देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो कौन सा कथन सही है, पहला बिल्कुल सही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, भूमध्य रेखा पर दिन एवं रात की अवधि समान होती है, बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा का मतलब होता है जीरो डिग्री यानी इक्वेटर। नेक्स्ट है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, बिल्कुल सही है। लिम्पोपो जो नदी है ये मकर रेखा को दो बार काटती है, अफ्रीका में यह नदी बहती है। इसके अलावा कर्क रेखा को दो बार काटती और आपका इक्वेटर भूमध्य रेखा को दो बार काटती, इन नदियों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में वो नदी बहती है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, बिल्कुल सही है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, तो इसमें चारों सही हैं। पहला सही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, भूमध्य रेखा पर दिन एवं रात की अवधि समान होती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है और आपका 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। नेक्स्ट है, हु इज़ द नाटो प्रेसिडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नाटो आपका यूरोपियन यूनियन और ये रूसी यूक्रेन ये न्यूज़ में है, तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। पहले WHO अदर एग्जाम में WHO और आपके वो पूछे जा रहे थे, WHO आपके OPEC जो न्यूज़ में थे उस समय, तो अभी नाटो न्यूज़ में है, यूरोपियन यूनियन न्यूज़ में है, तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हु इज़ द नाटो प्रेसिडेंट, चार ऑप्शन हैं, जेंस स्टॉल्टेनबर्ग, रॉबर्ट मेटसुला, डेविड मलापास या टेड्रस एथनोम। चारों से क्वेश्चन आएंगे आपसे कि रॉबर्ट मेटसुला काय के हेड हैं, डेविड मलापास किस चीज़ के हेड हैं, टेड्रस एथनोम किस चीज के हेड हैं। तो इसका राइट आंसर देख लेते पहले कि नाटो के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। इसके अलावा क्वेश्चन यह आएगा कि नाटो में कितने कंट्री हैं, क्या यूक्रेन नाटो में है और नया कौन सा देश था जो नाटो में जोड़ा गया, तो इस टाइप से आपके आएंगे। या नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है या यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां, इस टाइप के आपके क्वेश्चन यूपीएपीयू में आ सकते हैं। सो इज द नाटो प्रेसिडेंट, राइट आंसर इसका जेंस स्टॉल्टेनबर्ग राइट आंसर है। इसके अलावा डेविड मलापास ये वर्ल्ड बैंक से संबंधित हैं, टेड्रस एथनोम ये WHO संबंधित हैं और WHO के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस द करेक्ट, इसमें मिस द करेक्ट बताना है कौन सा इसमें सही है। तो पहला है दहला डैम अफगानिस्तान, दूसरा है अनातोलिया प्लेटू तुर्की, तीसरा है रुद्रेश्वर टेम्पल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया, चौथा है एंथ्रेसाइट है जो वो बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। तो पहला बिल्कुल सही है, दहला डैम अफगानिस्तान में है, ये न्यूज़ में था अभी, और अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था भारत ने, अफगानिस्तान में जो फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। अफगानिस्तान अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा, अफगानिस्तान से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा अनातोलिया प्लेटू न्यूज़ में था, तुर्की में है, और तुर्की पर S-400 लेने पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, भारत भी S-400 अभी ले रहा है। रुद्रेश्वर टेम्पल काफी न्यूज में रहा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया, और जो एंथ्रेसाइट है कोयला अभी न्यूज में रहा, आपको पता ही होगा पिछले साल अभी भी है, कोयला है जो वो बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा है, कोल से क्वेश्चन आ सकता है कि पहला कौन सा देश है जो कोल उत्पादन है पहले स्थान पर है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, तो बेस्ट क्वालिटी कोल है एंथ्रेसाइट।
तो चारों ये सही है। नेक्स्ट है ग्रैसलैंड्स के आपको नेम बताने हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रैसलैंड्स घास भूमियाँ पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, या आपके ऑस्ट्रेलिया में जो घास भूमियाँ पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में जो घास की भूमियाँ पाई जाती हैं उसे प्रेरी कहते हैं, और पंपास आपके साउथ अमेरिका में पंपास कहते हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अभी सब देखेंगे हम लोग मैप में कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है और अफ्रीका कहाँ है, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें प्रेरी कहते हैं, और ये गेहूं उत्पादन के लिए फेमस हैं। साउथ अमेरिका के पंपास और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सवाना एंड बेल्ट आपके अफ्रीका में। तो सवाना और बेल्ट आपने सुना होगा, सवाना वगैरह ये आपने नाम सुने होंगे, तो ये अफ्रीका में। नेक्स्ट है व्हाट आर द बारम करंट, इसमें बारम करंट कौन से हैं, तो ठंडी जलधारा और गर्म गर्म जलधारा, इनसे क्वेश्चन आपके यूपीएपी में आ सकते हैं। तो पूछ लेंगे आपसे कि लेब्राडोर करंट या कैनरी करंट कौन सी धारा है, तो जैसे लेब्राडोर करंट है, कैनरी करंट है, और आपकी जो गल्फ ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट है, ये आपकी कोल्ड करंट है, यानी ये ठंडी जलधारा है। महासागर में आपसे जलधारा पूछी जाती है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर वार्म करंट, तो गर्म जलधारा कौन है, तो जी गल्फ स्ट्रीम है, जो गा से गल्फ और गा से गर्म, तो ये गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, बाकी ये आपकी, ये आपकी ठंडी जलधारा है। आपकी बेंगुला करंट है, ये कोल्ड करंट है। अंटार्कटिका करंट, ये भी कोल्ड करंट है। फोकलैंड करंट है, ये भी कोल्ड करंट है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची चोटी महाद्वीप 22, यानी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है कंटिनेंट की। आपको पता है कि 7 कंटिनेंट हैं। अब कंटिनेंट से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एलब्रुस है, अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो है, साउथ अमेरिका की एंकागुआ है, नॉर्थ अमेरिका की आपकी डेनाली है, इसे माउंट मैकेनली भी कहते हैं, और एशिया की तो आपको पता ही है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है डेनाली, इसे माउंट मैकेनली कहते हैं, साउथ अमेरिका की है माउंट एंकागुआ है, यूरोप की आपकी एलब्रुस है, और एशिया की आपको एवरेस्ट पता ही है, और इसकी हाइट बढ़ गई थी अभी, तो कितनी बड़ी वो क्वेश्चन आ सकता है। अफ्रीका की किलिमंजारो है, और ऑस्ट्रेलिया की कोसी कुछको है, और अंटार्कटिका की माउंट बेंसन है, और मैप ऑफ द टालेस्ट। नेक्स्ट है टॉप कंट्री लिस्ट, यानी कौन सा देश के उत्पादन में पहले स्थान पर है, यह क्वेश्चन भी आपका यूपीएपी में आ सकता है। तो मेज यानी मक्का, मक्का उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर, बिल्कुल सही है। वीट और राइस में चीन है, बिल्कुल सही है। वीट यानी गेहूं और राइस यानी आपके चावल, तो गेहूं चावल उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। जूट में इंडिया का प्रथम स्थान है। शुगर कैन में आपका ब्राजील है, और सेकंड पर शुगर कैन में शायद इंडिया है। जबकि राज्य की बात करें तो गन्ना उत्पादन में आपका यूपी है जो पहले स्थान पर है गन्ना उत्पादन में। उसके अलावा गन्ना और गेहूं दोनों उत्पादन में आपका यूपी फर्स्ट रैंक पर है। नेक्स्ट है मैच द इनकरेक्ट, तो आपसे यूपी एपीओ में एक आध दिवस पूछे जाएंगे, लेकिन जनरली आपको दिवस डायरेक्ट ना पूछ कर, यानी डेस डायरेक्ट ना पूछ कर, वो आपसे डेस की थीम पूछेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि वर्ल्ड आर्थर डे की इस बार की थीम क्या थी, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, या वर्ल्ड वेटलैंड डे 29 अगस्त। तो इनमें से क्या गलत है ये बताना है। तो जो आपका पहला है आपका सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, अभी मनाया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, ये भी सही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, ये भी सही है। और आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे 29 अगस्त, ये गलत है। 29 अगस्त को एक और अन्य दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है खेल दिवस, तो उसे मेजर ध्यानचंद खेल दिवस कहते हैं। और इसके अलावा जो आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो आपका 2 फरवरी के आसपास, आपका 2 फरवरी को आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट करेक्ट दी, जिसमें आपको करेक्ट बताना है, तो ऑस्कर है इसमें, और बेस्ट मूवी है नोबेल प्राइज़ है, और आपका मिस यूनिवर्स है। तो ऑस्कर का बेस्ट एक्टर विल स्मिथ है, बिल्कुल सही है, न्यूज़ में थी अभी विल स्मिथ, आपने देखा होगा विल स्मिथ जिनकी मूवी है मैन इन ब्लैक 3, एक मूवी है इनकी। और नेक्स्ट है बेस्ट मूवी का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला, तो CODA कोडा को मिला, और विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का मिला, बेस्ट मूवी का कोडा को। नोबेल पीस प्राइज से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो नोबेल पीस प्राइज विनर कौन कौन है, तो ये मिला है दिमित्री मुरातोव को और मारिया रिसा को, इन्हें नोबेल प्राइज मिला, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर सिंधु, ये बिल्कुल सही है, भारत की हरनाज कौर सिंधु को मिस यूनिवर्स 2021 मिला, और कहाँ पर आयोजित हुआ था यह जो इवेंट, इसराइल में, तो यह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बेस्ट एक्टर ऑस्कर विल स्मिथ, बेस्ट मूवी कोडा, नोबेल पीस प्राइज विनर 2 व्यक्तियों को मिला, मारिया रेसा, दिमित्री मुरातोव, मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर सिंधु, ये देखिए आप, ये हैं आपके विल स्मिथ। नेक्स्ट है कमेटी से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, यूपीएपीओ में आपके कमेटी या आपके कमीशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ लेंगे सरकार या कमीशन का संबंध किससे है, या आपका जेएस वर्मा कमेटी का संबंध किससे है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज, केलकर समिति आपकी टैक्स रिफॉर्म, हनुमंत राव कमेटी फर्टिलाइजर और सरकारी आयोग सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो कौन कौन से सही हैं? तो बलवंत राय मेहता कमेटी समिति पंचायती राज से संबंधित है, और केलकर समिति टैक्स रिफॉर्म, हनुमंत राव समिति फर्टिलाइजर और सरकारी आयोग सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध, तो चारों सही हैं। नेक्स्ट है, इसमें बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूपीएपीओ में आपके बुक से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है, बिल्कुल सही है। भारत के पहले आपके उपराष्ट्रपति, जो शिक्षक दिवस है इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही है। ए नेशन इन द मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। तो मॉडर्न इंडियन जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से बुक्स आपकी पूछी जा सकती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे पूछ लेंगे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है, या इन कुछ भी आपसे इंपॉर्टेंट जो पुस्तक हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर किसकी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की है, और मेरी इक्यावन कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी की। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, या पूछ लेंगे आपसे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन, कामायनी जयशंकर प्रसाद, ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, मेरी इक्यावन कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट रैंक वाइज, इसमें रैंक बताना है, फर्स्ट रैंक पर कौन सा स्टेट है? पहला है ऑप्शन में यूपी, तो यूपी का आप देख लेते, यूपी और एमपी इसमें है, और वेस्ट बंगाल है और राजस्थान है। तो यूपी में देखिए, पॉपुलेशन, स्मार्ट सिटी, वीट, मैंगो, पोटैटो, शुगर कैन। तो इनमें यूपी का पहला स्थान है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। स्मार्ट सिटी सबसे ज़्यादा यूपी में है। बीट यानी गेहूं उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है। अगर देश में देखा जाए तो आपका चीन है। और मैंगो यानी आम सबसे ज़्यादा यूपी, पोटैटो आलू यूपी, और शुगर कैन यानी गन्ना भी यूपी, देश में पूछे तो ब्राज़ील है। इसके अलावा फिर एमपी में क्या है? तो एमपी में आपका डायमंड फॉरेस्ट, टाइगर, लीपर्ड नेशनल पार्क, ओबल्चर यानी गिद्ध, ये सबसे ज़्यादा एमपी में है। वेस्ट बंगाल आपका राइस उत्पादन में पहले स्थान पर है, और राजस्थान आपका बाजरा, मस्टर्ड यानी सरसों, और एरिया यानी क्षेत्रफल में आपका राजस्थान पहले स्थान पर है। तो चारों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। यूपी इन सब में पहले स्थान पर है, एमपी इन सब में पहले स्थान पर है, वेस्ट बंगाल राइस उत्पादन में, राजस्थान बाजरा, मस्टर्ड और एरिया में। अब बात करते हैं मैप टू स्टडी, आप जरूर देखिए, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इससे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि इक्वेटर क्या है? तो इक्वेटर है 0 डिग्री, आप ग्लोब देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसी लाइन इमेजिनरी लाइन है, इसे कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके भारत के 8 राज्यों से निकलती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। इसे कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कहते हैं क्या? 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका आर्कटिक सर्कल है ऊपर, और ये आपका नॉर्थ पोल है। आर्कटिक सर्कल होता है 66 डिग्री नॉर्थ, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और ये देखिए ऊपर नॉर्थ, ये नीचे साउथ, ये आपका ईस्ट, और ये होता है आपका वेस्ट, ठीक है। अब देखिए इक्वेटर 0 डिग्री, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन तीनों से अब ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा, कर्क रेखा ये है, कर्क रेखा को 2 बार काटती, मकर रेखा को 2 बार काटती, और आपका भूमध्य रेखा को 2 बार काटती। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, या इनके फॉर्मूलाज टाइप में पूछ लेते हैं कि कर्क, इनमें से कौन कर्क रेखा का फॉर्मूलाज है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा ये कैस्पियन सी से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन कौन सी कंट्री कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं, या कौन सी मुख्य नदी कैस्पियन सी में गिरती है। इसके अलावा आपसे कंटिनेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे कंटिनेंट वाइज जैसे पूछ लेते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी साउथ अमेरिका की कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट आपसे सी समुद्र के क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं, आपसे गल्फ पूछ ली जाती है, पर्शियन गल्फ किन दो देशों के, मतलब पर्शियन गल्फ से रिलेटेड कौन कौन से देश हैं, मेडिटेरियन सी से रिलेटेड कौन कौन से देश हैं, या रेड सी से रिलेटेड कौन कौन से हैं, आपकी जो स्विज नहर है वो कहाँ कहाँ है, या गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अभी देखा था हम लोगों ने, यहाँ आपका स्पेन है, ये मोराक्को है, और ये आपका यूरोप वाला पार्ट है, ये आपका अफ्रीका वाला पार्ट है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये है आपकी, जो आपको यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। इसके अलावा ये आपका ये दो समुद्रों को जोड़ती है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्या आएगा। तो मैप क्लासेस हो सकती हैं, टॉपिक वाइज कुछ भी हो सकता है, या हिस्ट्री या करंट अफेयर्स, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। जैसे करंट अफेयर्स की अगर क्लास रहेगी तो 50 से 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।